आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कोर्ट में सुनवाई है, हमने मांग किया है कि पर्सनल लॉ जितने भी चल रहे हैं, चाहे वो पारसी मैरिज एक्ट है, चाहे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, चाहे शरीयत एक्ट है, इन सबको खत्म किया जाए और देश में सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए जिससे देश की सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार मिले। ये जो हमारी मांग है ना, इस पे 75 साल पहले बहुत लंबी चर्चा हुई थी और 23 नवंबर 1948 को लंबी चर्चा करने के बाद, विस्तृत चर्चा करने के बाद, पक्ष और विपक्ष में सबकी बात सुनने के बाद संविधान सभा ने तय किया कि भारत में अब कोई पर्सनल लॉ नहीं होगा बल्कि एक कॉमन सिविल कोड होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, जो आज की डेट में संविधान का आर्टिकल 44 कहलाता है। एक्चुअली ये पहले आर्टिकल 35 था, बाद में रीनंबर करके इसको आर्टिकल 44 कह दिया गया। 75 साल बीत गए संविधान सभा के प्रस्ताव को कि भारत में कोई शरीयत एक्ट नहीं होगा, पारसी मैरिज एक्ट नहीं होगा, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट नहीं होगा, बल्कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। दुर्भाग्य देखिए, हम आज भी इसको लागू नहीं कर पाए। 125 बार संविधान बदल दिया गया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया, लेकिन संविधान की आत्मा जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के या मुंशी कहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान की आत्मा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं मिल पाएगा। समान अधिकार देना जरूरी है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, 75 साल के बाद भी ओट जीवी और नोट जीवी नेताओं के कारण न इस पर ढंग से चर्चा हो पाई, न इसका आज तक ड्राफ्ट बन पाया और न आज तक ये लागू हो पाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, लड़का हो या लड़की, हिंदू हो या मुस्लिम, पारसी हो या ईसाई, जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है सबकी एक समान होगी। आज के डेट में हिंदू जैन बौद्ध में लड़की की शादी की उम्र 18 है, लड़के की 21 है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा मुस्लिम्स में जो शादी की मिनिमम एज है वो 9 साल चल रही है, वो हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। आपकी आप शादी कराएंगे, जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, आप आधार बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, इसी तरीके आपको शादी का रजिस्ट्रेशन करा के आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है, सबके लिए फायदेमंद है, हिंदू जैन बौद्ध सिख सबके लिए फायदेमंद है, इसमें फिर इसका विरोध क्यों? शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी, अभी जो 9 साल चल रही है 18 साल हो जाएगी या 20 साल हो जाएगी, हमारी मुस्लिम बेटियां भी पढ़ेंगी, कम से कम 12वीं पास कर लेंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो फिजिकली मेंटली मैच्योर हो जाएंगी, पढ़ाई उनकी पूरी हो जाएगी, वो डिपेंडेंट हो जाएंगी, फिर इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, इसका विरोध क्यों करना? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका एक कॉमन हो जाएगा। अगर नपुंसकता के आधार पर डिवोर्स होगा सबका होगा, बचपन के आधार पर होगा सबका होगा, कोड के आधार पे होगा सबका होगा, जिस भी जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होंगे वो 10 ग्राउंड होंगे या 12 ग्राउंड होंगे, वो हिंदू जैन बौद्ध सिख पारसी ईसाई सबके लिए कॉमन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका समान हो जाएगा, यानी सबका डिवोर्स कोर्ट के जरिए होगा। ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया लेकिन 4 तरीके के तलाक चल रहा है, तलाके हसन चल रहा है, तलाके अहसन चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है, 4 तरीके के तलाक आज भी चल रहे हैं और ये भी एक तरफा होते हैं, इसमें भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, हिंदू जैन बौद्ध सिख को तो गुजारा भत्ता मिलता है लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता, उनको केवल मेहर की रकम मिलती है 3 महीने के लिए बस। यूनिफॉर्म सिविल कोड से आएगा तो हमारी मुस्लिम बेटियों की लाइफ में कम से कम थोड़ी स्टेबिलिटी होगी, टेंशन कम हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, विरासत का एक समान अधिकार देश की सभी बेटियों को मिल जाएगा, वसीयत का एक समान अधिकार सभी बेटियों को मिल जाएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार देश की सभी बेटियों को मिल जाएगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार देश की सभी बेटियों को मिल जाएगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार देश की सभी बेटियों को मिल जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, बहुविवाह बंद हो जाएगा, हलाला बलात्कार घोषित हो जाएगा, मुताह बंद हो जाएगा, मिसयार बंद हो जाएगा, तहरुस बंद हो जाएगा, तलाके हसन बंद होगा, तलाके अहसन बंद होगा, तलाके बाइन बंद होगा, तलाके किनाया बंद होगा। और ये सब कुरीतियां हैं और ये सारी कुरीतियां मुगल काल में आई, इनफैक्ट ये सारी कुरीतियां भारत की है ही नहीं है। भारत में एक सती प्रथा कुरीति आई थी, मुगलों के कारण आई थी, पहले नहीं थी, वो बंद हो गई। और भी एक दो कुरीतियां आई थी, उसको भारत के जो हमारे बुद्धिजीवी थे, हमारे उन्होंने जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, उन्होंने आगे उसको विरोध किया और बंद हो गई। दुर्भाग्य देखिए, विदेशी कुरीति, विदेशी परंपरा, विदेशी कुप्रथा आज भी भारत में चल रही है और कुछ एनजीओ, कुछ तथाकथित सेकुलर उस कुरीतियों का समर्थन कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए एक एनजीओ आया हुआ है,
वो ऐसे तो कहता है कि हम तो बहुत बड़े सामाजिक संगठन, एक्चुअल में एनजीओ है, और उस एनजीओ को 1873 में इंदिरा गांधी ने बनवाया था, और उस एनजीओ का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। वो हमारी सारी पीआईएल का विरोध करने आ जाता है कोर्ट में। हमने चार शादी चैलेंज किया, वो आ गया है कोर्ट में हमारी पीएल का विरोध करने। हमने हलाला चैलेंज किया, वो कोर्ट में विरोध कर रहा है। तो विरोध करने का मतलब कि एक तरीके से ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये चार शादी का समर्थन कर रहा है, हलाला का समर्थन कर रहा है, मुताह का समर्थन कर रहा है, मिसयार का समर्थन कर रहा है, तहरुस का समर्थन कर रहा है, एक तरीके से तलाक हसन, तलाक हसन, तलाक बाइन, तलाक किनाया का समर्थन कर रहा है। और ये जितनी कुरीतियां मैं बता रहा हूं, ये कोई भी भारत की नहीं है, ये सारी की सारी कुरीतियां अरब की है। अरब की कुरीतियों का समर्थन करने के लिए ये पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट में भी आके हमारी पीआईएल का विरोध करता है, और जो बाहर करता है, इसके नेता करते हैं, इसके मेंबर करते हो, तो आपने देखा ही देखा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, एक बार गुलामी का नाम, गुलामी का निशान, गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की जो कुप्रथा, इनके खिलाफ आवाज बुलंद करिए। ये भारत है, ये संविधान भारत का है, ये भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए है। ये अरब का संविधान नहीं है कि अरब की कुरीतियों को कंटिन्यू करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जोरदार आवाज उठाइए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं, उसमें एक चैप्टर आप हम दो हमारे दो का भी जोड़िए। अलग से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत नहीं है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में चैप्टर वाइज डालते जाइए। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, सबकी एक समान। चैप्टर 2 शादी का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सबके लिए कंपलसरी। चैप्टर 3 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है उसको कॉमन कर दीजिए, सबके लिए मैंडेटरी। चैप्टर 4 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कोर्ट के जरिए होगा, ये तलाक हसन, तलाक हसन, तलाक बाइन, तलाक किनाये को कंप्लीट बैन करिए, जो भी ग्राउंड्स, जो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स है सबके लिए कॉमन करिए। चैप्टर 5 मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस का फार्मूला फिक्स कर दीजिए, उस फार्मूले से सबको गुजारा भत्ता मिलेगा। चैप्टर 6 एडॉप्शन, बच्चा गोद लेने का अधिकार, सबके लिए एक नियम। चैप्टर 7 गार्जियनशिप, भरण पोषण का अधिकार, सबके लिए एक कॉमन नियम। नेक्स्ट चैप्टर सक्सेशन, इनहेरिटेंस, विरासत, वसीयत का एक नियम, देश की सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो। और उसी में एक चैप्टर रखिए माता पिता के भरण पोषण का अधिकार, क्योंकि डिवोर्स वोर्स सब हो जाता है, माता पिता बेचारे किनारे हो जाते हैं, उनको पता चला पति पत्नी आपस में लड़े भिड़े, दोनों अलग भी हो गए, अब माता पिता कौन देखेगा, इसलिए उनके माता पिता के भरण पोषण का उसमें एक चैप्टर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें एक चैप्टर होना चाहिए हम दो, हमारे दो, सबके दो। मैं ये क्यों कह रहा हूं, भारत के पास केवल 2% जमीन है, केवल 4% पानी है, जनसंख्या 20% हो चुकी है, हम दुनिया के नंबर 1 हो चुके हैं, और आज भी 15 बच्चे, 18 बच्चे, 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं। जिसको लगता है कि ये गलत बात है, मैं कह रहा हूं देश की किसी भी लोकसभा जो वोटर लिस्ट होती है उसकी 1999 की वोटर लिस्ट और 2019 की वोटर लिस्ट, इसको आप कंपेयर करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कश्मीर हो चाहे केरल, बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, पॉपुलेशन में बहुत तेज चेंज आ रहा है। आप देश की किसी भी विधानसभा की पिछले 20 साल की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, जो 1999 में जहां चुनाव हुआ या 2000 में जहां चुनाव हुआ हो, या और अभी 2020, 2021, 2022 में चुनाव हुआ, 20 साल के अंतर पे आप देख लीजिए किस तरीके से वोटर लिस्ट में चेंज आता है। मैं वोटर लिस्ट की बात इसलिए कर रहा हूं कि जनगणना तो 10 साल के बाद होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले बनती है, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो तो वोटर लिस्ट अपडेट होती है, प्रधान का चुनाव हो तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है, विधानसभा चुनाव हो तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है, लोकसभा चुनाव हो तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है। तो भारत की किसी भी लोकसभा चुनाव का 1999, किसी भी लोकसभा क्षेत्र का 1999 की वोटर लिस्ट और 2019 की वोटर लिस्ट, आपको लगता है कि नहीं पढ़ाई लिखाई के कारण पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है, तो मैं तो कह रहा हूं केरल की किसी भी एक लोकसभा क्षेत्र में 1999 की वोटर लिस्ट और 2019 की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं, दल गुलामी छोड़िए, ये आज के नेता 20-25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, आपके बच्चों को अच्छा कानून बचाएगा। यूनिफॉर्म एजुकेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करिए, पॉपुलेशन कंट्रोल की मांग करिए, समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करिए, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, इसी से देश का भला होगा, नहीं तो नेता आएंगे जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा।